अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एनटू न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। शोहर ने की अपनी बीवी की फुप्पू से ही शादी। खबर है कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद की, जहां एक दस्तगीर नामी शख्स ने अपनी बीवी अमरीन की सगी फुप्पू नगमा से निकाह कर लिया। अमरीन ने इसकी शिकायत कंचनबाग पुलिस स्टेशन में कराई, पर पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने इस्लाम में दूसरी शादी जायज है की बात को सामने लाते हुए दस्तगीर पर कोई एक्शन नहीं लिया। अमरीन का कहना है कि नगमा अमरीन की सगी फुप्पू होने के साथ रजाए माँ भी है, इस ताल्लुक से उनके शोहर और उनकी फुप्पू का रिश्ता हराम हुआ। नाजरीन, ये तो हम जानते हैं कि इस्लाम में दूसरा निकाह जायज़ है, पर पहली बीवी की इजाज़त के बाद ही, अपने मासूम बच्चों को और बीवी को बेसहारा बेबस छोड़ने के बाद नहीं। मगर आजकल के दौर में बेहयाई की कोई हद ही नहीं रही। अपने 3 मासूम बच्चों को छोड़ के बीवी के फुप्पू के साथ हराम रिश्ता रखना गुनाह है। परेशान अमरीन ने मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट भर रही है और मीडिया के जरिए तेलंगाना हुकूमत और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से इंसाफ का मुतालबा कर रही है। आइए देखते हैं एनटू न्यूज़ की ये खसूसी रिपोर्ट में अमरीन से मजीद तफसीलात। हर अहम और ख़ास खबर के लिए एनटू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। तो 3-4 साल से उन्होंने ना साथ रहते, ना कुछ देते, ना बच्चों का खर्चा देते। मैं मेहनत करके गुजार रही हूँ और उन लोग गलत हरकत कर रहे हैं। उनके साथ निकाह कर लिए बोल के मालूम हुआ अब से 1-2 साल से। वो पुलिस में भी कंप्लेन करी और पुलिस वाले भाव तुम्हारे इस्लाम में 2 जायज़ है 4 जायज़ है बोल के उन बात को टाल दे रहे हैं। खाली FIR करे, उन लोगों को भेज डाले। अब उसके बाद उन लोग निकाह कर ले के बोल रहे हैं कि तुम लोग का शोहर भी अलग हो गए ना, हम लोग निकाह कर लिए बोल के बोल रहे हैं उन लोग। आपके सगे फुप्पू से कर लिया? जी हाँ, मेरे सगे फुप्पू से, जो मेरे को बचपन में दूध पिलाए उनसे निकाह कर लिया। ये निकाह जायज़ है, ये मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे को तेलंगाना पुलिस से इंसाफ होना। आप कब कराई थी कंप्लेंट? 2015 में कराई थी मैं कंप्लेंट। 2015 में मेरे को जब उनके कमरे में मेरे को पकड़े गए उन लोग, तो जब से लड़ाई करे, झगड़ा करे, मारे, फिर पुलिस में कंप्लेंट करे, फिर पुलिस वाले समझाए करे, फिर उन लोग बोल रहे क्या कर सकते हैं, तुम्हारा इस्लाम में जायज़ है, तुम लगा कल ये कंचनबाग पुलिस वाले कंचनबाग में FIR करे थे पहले। हाँ, उन लोग जब दूसरी साल जब गए 2018 में, तो ना बोले जाओ माँ वुमेंस PS को जाओ, वहाँ जाके इंसाफ होता, तुम लोग का क्या करते करो बोले। उन लोगों को गन गए तो जब हमारे शोहर मेरे को छोड़ दे के बाहर भाग गए थे, फिर बाहर से पैसा भेजे वो भेजे बोल के ससुरे को बोले ना 1 रुपया कोई मेरे को दिए नहीं। मगर उल्ला बोल रहे हैं हाँ देते बोल रहे हैं। ये साल गुजर गया, पूरे बच्चों के उम्र गुजर जा रही, स्कूल में मेहनत करके मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, सब खिला रही हूँ, पिला रही हूँ। 3 मर्द बच्चे हैं मेरे। अच्छा। तो अब ना साथ रह रही, ना खर्चा पानी दे रही, ना ज़िंदगी सही कर रही, फिर ये हराम ज़िंदगी उन्होंने हाँ हमारी जायज़ है बोल के उनके साथ रह रही, क्या करना इनका समझ नहीं आया। उनको भी 3 बच्चे हैं, 1 मर्द बच्चा है और 2 औरत बच्चियाँ हैं। ये हमारे फुप्पू है, देखिए आपके फुप्पा उन्होंने डिवोर्स दे दिए, उन्होंने फुप्पा को डिवोर्स दे दिए। आपके हस्बैंड कैसे डिवोर्स दिए? जी हाँ, उन लोगों का ये रिलेशन मालूम हुआ तो उन्होंने डिवोर्स दे दिए। जी हाँ, ये देखिए ये मेरी फैमिली फ़ोटो है। जी हाँ, मोहम्मद दस्तगीर है, मेरे 3 बेटे हैं, मैं हूँ। 2015 से चलक है। 2015 से आप जो है पुलिस में बार-बार जाने के बाद भी आपको कुछ भी इंसाफ नहीं? जी हाँ, लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन के बाद से सब बंद है, माँ बाद में आओ बोल के भेज डाले थे लोग। अच्छा, अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी इंसाफ हो ना माँ को, कब तक मेहनत करते बैठना है? ना बच्चों का खुराक है, ना मेरी जिंदगी का कुछ है, उन्होंने तो जी रहे हराम जिंदगी। ये हराम जायज है तो दुनिया में कैसा होगा, ऐसा कितनी जिंदगियाँ बर्बाद होंगे। जी हाँ, रहना चाह रहे हैं उन्हों, अगर उनको छोड़ रहे तो हम उनके साथ ही रहेंगे। 3 बच्चे हैं। एक महीना 1.5 महीने पहले हमारे बच्चा अब्बूगंज जाता हूँ बोले तो बच्चे को नहीं आना बोले, आइंदा बार नहीं आना घर को, ले लेके चल जाओ तुम्हारा बच्चा, हमें को तुम भी नको तुम्हारा बच्चा भी नको बोल के भेज डाले थे बच्चे को। चाह रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ आना, ज़िंदगी गुजारना। अंजलि कमिश्नर उनसे गुजारिश है कि मेरी दरख्वास्त सुने और उनसे ज़िंदगी गुजारना चाह रही हूँ। मैं मदद भी मांग रही हूँ उनसे।